Meenakshi Temple in Madurai. It's beautiful, architectural, artificial, by the our ancient architecture. Really, I am impressed to see this architectural monument, how they have been planned and designed. Ultimately, it has been built up. So really, this is amazing, very beautiful, artificial by the our artisans. भारत के कारीगरों ने, भारत के शिल्पकारों ने इस विद्या को कब सीखा, वो उसको कैसे उकेरा, ये अपने आप में एक बहुत ही गहन प्रश्न है कि भारत में पुरातन युग में इस तरह के आर्किटेक्ट थे। मेरा मकसद इसकी, जैसा कि मेरे दोनों हों, बड़ी वाली बेटी भी आर्किटेक्चर है, बेटा भी बेसिकली आर्किटेक्चर है। मेरी बेटी कह रही थी, पापा जी हम जिन चीज़ों को बच्चों को पढ़ाते हैं, बेसिक चीज़ें हैं, ये भारत के लिए एक अमूल्य धरोहर है जिसको के हम बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरी इच्छा नहीं थी, आई एम रियली डिस्टेंट और मैं इन चीज़ों से परहेज करता हूँ, लेकिन क्यों ना, बच्चों ने बोला क्यों आप, मतलब ठीक है वो आपका आइडियोलॉजी विचारधारा अलग है, लेकिन जो एक आर्किटेक्चरल मोनूमेंट है वो किस तरीके का आर्किटेक्चर है, इसको तो आप देख के आ सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो रियली कैसे बैलेंसिंग है, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये आज से सैकड़ों साल पहले, हज़ारों साल पहले जब बना होगा, इतने विद्वान लोग थे जिन्होंने इसको एक मूर्त रूप दिया। तो मेरा मकसद बस इसी को देखने के लिए आना है। आई एम रियली वेरी वेरी इम्प्रेस्ड टू वॉच दिस टावर। दिस इज वेस्टर्न ईस्ट टावर, वेस्ट टावर, नॉर्थ टावर एंड साउथ टावर, जस्ट लाइक सेम रामेश्वरम टेम्पल, जैसा वहाँ पर है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसी तरीके का यहाँ भी वही है। तो इस मेरा यहाँ के जो एक आर्किटेक्चरल व्यू अपॉन से देखने के लिए आया हूँ, वो देखना चाहिए किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया। भारत की कला इतनी सुदृढ़ थी कि विदेशी लोग भी दांत तले उंगली दबाते थे। रियली रियली वेरी वेरी इम्प्रेस्ड टू वॉच दिस टावर, दिस वेरी वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। सुपरियर एक्सीलेंट आर्किटेक्चर, यह आर्किटेक्चर का एक बहुत ही बड़ा नमूना है जो इधर देखने को मिलता है। ऐसे ही रामेश्वरम में मिला, ऐसे ही मीनाक्षी टेम्पल में देखने को मिलता है। वेरी इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर, सुपरियर एक्सीलेंट, वेरी फैंटास्टिक, अमेजिंग अमेजिंग।